Hello students, this is the third lecture for the chapter 1 class 10 science, that is chemical reaction and equation. So today we are going to learn about how to balance the chemical equation. Humne discuss kiya tha why to balance the chemical reaction. Now we will learn how to balance a chemical equation. Ek bahut hi simple sa example lenge jo hamare textbook mein diya hai, that when iron reacts with water, it forms iron oxide Fe2O3 plus releases hydrogen gas. When Fe reacts with H2O, it forms Fe2O3 plus H2. जैसे ही मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था बेटा कि आपके सबसे पहले तो ये फॉर्मूला सही होना चाहिए, H2O सही होना चाहिए, ये कंपाउंड सही होना चाहिए, Fe2O3, MgO लिखते थे तो MgO डायरेक्टली था, तो यहाँ पे FeO नहीं लिखेंगे हम, Fe2O3 होना चाहिए एंड विथ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस. तो हाइड्रोजन गैस है तो H2O पता होना चाहिए. सो द फर्स्ट स्टेप, तो यहाँ पे ये इक्वेशन लिख लिया, दिस इज अ स्केलेटल इक्वेशन. व्हाई इट इज अ स्केलेटल इक्वेशन? क्योंकि ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है. नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड, LHS साइड, रिएक्टेंट साइड एंड RHS, दैट इज प्रोडक्ट साइड, आर नॉट इक्वल. तो द फर्स्ट स्टेप, तो यहाँ पे अगर हम देखने जाए बेटा, तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं. चलो, तो ये स्टेप वन. व्हाट इज स्टेप वन? कि हमारा जो भी केमिकल इक्वेशन है उसके अराउंड आप बॉक्स कर दो, कि हमारे जितने भी केमिकल फॉर्मूलाज हैं, दैट इज Fe प्लस H2O गिव्स Fe2O3 प्लस H2. तो ये जो हमारा फॉर्मूला है उसके अराउंड आपको क्या करना है, बॉक्स बना दो, इसको बॉक्स में रख दो. क्यों बॉक्स में रख दिया? क्योंकि इससे हमारा बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन सॉल्व हो जाएगा. क्या हो जाएगा बेटा? बहुत बड़ा कंफ्यूजन सॉल्व हो जाएगा. और वो कंफ्यूजन क्या है? कि बॉक्स के अंदर हम कोई चीज चेंज कर सकते नहीं है. बॉक्स के अंदर जितनी चीजें हमने रखी है उसमें कोई भी तरीके का चेंज हो सकता नहीं है. वाई? बिकॉज केमिकल फॉर्मूलाज कैन नेवर बी चेंज्ड. वो हमारे हिसाब से हम चेंज कर सकते नहीं है. ये मॉलिक्यूल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ये मॉलिक्यूल्स है. और मॉलिक्यूल्स में चेंज नहीं हो सकता. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ सकते हैं, दो लिए, तीन लिए, पांच लिए, लेकिन H2O का फॉर्मूला कभी H3O, H2O3 ऐसा कभी हो सकता नहीं है. H2 है तो H2 ही रहेगा. आप दो H2O ले सकते हो, तीन H2O ले लिए, चार H2O ले लिए, लेकिन H2O का फॉर्मूला सेम रहेगा, उसमें कभी चेंज हो सकता नहीं है. सो नाउ, तो ये चीज हमने कर ली. नाउ स्टेप टू क्या करेंगे बेटा? तो स्टेप टू में हम टेबल बनाएंगे. क्या बनाएंगे बेटा? एक टेबल बनाएंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड हम काउंट करेंगे. तो सबसे पहले तो हम एक टेबल बना लेते हैं. टेबल में कितनी चीजें हमें रखनी है बेटा? हमें रखने हैं एलिमेंट्स. एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं. एलिमेंट्स हमारे पास हैं, एक तो Fe है, दूसरा कौन सा है, हाइड्रोजन है, और तीसरा कौन सा है, तो तीसरा हमारे पास ऑक्सीजन है. हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स ऑन RHS, ऑन LHS लिख देते हैं. चलो, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड और यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑन RHS, ऑन राइट हैंड साइड. क्लियर? तो यहाँ पे हम देखेंगे बेटा कि भाई कितने कितने रिएक्टेंट से, देखो Fe कितना है, ये हमारा रिएक्टेंट साइड है, ये हमारा LHS है, और ये हमारा क्या बेटा, ये हमारा RHS है और ये हमारा LHS है. तो इसमें कितने Fe है? तो सिर्फ एक ही Fe है. यहाँ पे कितने Fe है? Fe2, तो दो Fe है. ये किसमें है? वन Fe, इट इज वन इन ओनली Fe. ये सिर्फ Fe है, तो एक Fe में एक ही Fe है. यहां पे कितने है? दो Fe है इन Fe2O3. देयर आर टू Fe ऑन Fe2O3. नाउ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं? तो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है ऑन LHS साइड इन H2O. इट हैज टू इन H2O, इन H2O. और यहां पे कितने हैं? यहां पे भी दो है, इन टू, देर आर टू हाइड्रोजन इन H2, इन H2. ऑक्सीजन कितने हैं? तो ऑक्सीजन सिर्फ एक ही है, ओनली वन ऑक्सीजन इन H2O.
दूसरा रिएक्टेंट साइड में तो कुछ है नहीं, यहां पे कितने ऑक्सीजन है, O3 है, तो देर आर थ्री ऑक्सीजन इन Fe2O3, इन Fe2O3, Fe2O3 है RHS साइड पे, तो तीन उसमें ऑक्सीजन है। हर बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ है, सही, ऐसा कुछ ना कुछ तो जरूर है। क्लियर, फटाफट से ये मेरे साथ में लिखते रहो। क्या 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 किया बेटा हमने, हमने बैलेंस किया है केमिकल इक्वेशन, वी हैव बैलेंस्ड ए केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन को कैसे हमने बैलेंस किया बेटा, कि सबसे पहले तो उसके जितने भी केमिकल फॉर्मूलाज है उसके अराउंड हमने बॉक्स कर दिए, तो ये रेड बॉक्स क्या इंडिकेट करते हैं कि उसके अंदर हम कोई चीज चेंज कर सकते हैं, नहीं है। सेकेंड स्टेप क्या बना है, टेबल बना है एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन LHS एंड ऑन RHS। तो यहां पे कितने, एक Fe है तो सिर्फ Fe, वन Fe है। यहां पे कितने आयरन है, देर आर टू इन Fe2O3, ये पूरा कंपाउंड में दो Fe है, तो देर आर टू Fe इन Fe2O3। क्लियर, ऑन RHS देर आर टू हाइड्रोजन इन H2O, देर आर टू हाइड्रोजन इन H2O, देर आर टू हाइड्रोजन इन H2O ऑन RHS, देर आर only one oxygen in H2 on LHS side, but there are three oxygen in RHS in Fe2O3। तो इतनी चीजें आपको पता रहनी चाहिए बेटा, तो फटाफट से इतना लिख लियो, होप सो सब लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो पॉज करके लिखो। क्लियर, रब कर दिया मैंने वापस, मुझे ही लिखना पड़ेगा। चलो, तो आपने जो टेबल लिखा है बेटा, आपने जो टेबल बनाया है उस टेबल को करो। यहां पे हम स्टेप थ्री करेंगे, क्या करेंगे बेटा, स्टेप थ्री। तो स्टेप थ्री में हम फिर से एक टेबल ही बनाएंगे, और हमने जो पहला टेबल लिया था उसी टेबल में से हम स्टेप थ्री करेंगे। तो आपने जो टेबल बनाया उसमें देखो सबसे अनबैलेंस कौन है, हाइड्रोजन तो दोनों तरफ दो दो है, बैलेंस है। आयरन एक तरफ एक है दूसरी तरफ दो है, तो अनबैलेंस है। ऑक्सीजन एक तरफ सिर्फ एक है दूसरी तरफ तीन है, तो मतलब आयरन के हिसाब से ऑक्सीजन ज्यादा अनबैलेंस्ड है, आयरन के हिसाब से ऑक्सीजन ज्यादा अनबैलेंस्ड है। तो जो सबसे ज्यादा अनबैलेंस होता है वहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर कौन सा एलिमेंट है, तो ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन LHS के साइड पे कितना है बेटा, और RHS के साइड पे कितना है, तो LHS के साइड पे है ओनली वन इन H2O and there are three in Fe2O3। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वन है तो वन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थ्री से, तो वो क्या हो जाएगा, थ्री एच टू ओ, क्या हो जाएगा बेटा, थ्री एच टू ओ। और यहां पे क्या करना है, यहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, और तीन के तीन ऐसे ही रहने दो Fe2O3 में। तो हमारा जो इक्वेशन था वो स्टेप फोर में कैसा दिखेगा बेटा, तो स्टेप फोर में हमारा इक्वेशन क्या दिखेगा बेटा, ध्यान से, Fe प्लस H2O गिव्स Fe2O3 प्लस H2। वापिस हमने जो किया था वैसे का वैसा ही, इक्वेशन में तो कोई चेंज नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे बेटा हम, उसके अराउंड क्या बना दिया, बॉक्स, क्या बना दिया बेटा, बॉक्स बना दिया। क्लियर, अभी देखो बेटा, अभी देखो, अभी हमें क्या करना है कि H2O से तीन को मल्टीप्लाई करना है, क्यों, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है और LHS पे हमें तीन चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, तो यहां पे मैंने किया इस H2O को मल्टीप्लाई कर दिया बाय थ्री, किससे मल्टीप्लाई किया बेटा, बाय थ्री, क्यों, क्योंकि तीन ऑक्सीजन हो गए। इसी स्टेप में हम एक और टेबल बना लेते हैं, हम क्या करेंगे बेटा, एक और टेबल बनाएंगे ताकि पता चले कि ऑक्सीजन बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। तो यहां पर सबसे पहले क्या होगा, एलिमेंट्स, क्या हो गए बेटा, एलिमेंट्स LHS साइड एंड RHS साइड। तो एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, तो तीन ही एलिमेंट है हमारे पास, कौन से तीन एलिमेंट है बेटा, तो वो है Fe, H and O, दैट इज Fe, H and O। LHS पे कितने Fe है, वन Fe, RHS में कितने Fe है, टू Fe, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, अभी देखो थ्री हुआ तो थ्री पूरे H2O से, पूरे बॉक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो ऑक्सीजन तीन होगा तो हाइड्रोजन तो कितना होगा, थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा, कितना होगा, थ्री इंटू टू, दैट इज इक्वल्स टू सिक्स। समझ में आया कि बॉक्स क्यों किया था, क्योंकि हमें पता रहे कि सिर्फ ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, वो हाइड्रोजन से भी हो रहा है, इसीलिए तो हमने बॉक्स किया ताकि वो कंफ्यूजन ना हो कि ये पूरे H2O को तीन बार लेना है। एक H2O में कितने हाइड्रोजन है, तो दो है, तो दो हाइड्रोजन H2O में कितने होंगे, चार हाइड्रोजन, तीन H2O में कितने हाइड्रोजन होंगे, दैट विल बी सिक्स हाइड्रोजन। समझ में आया, नाउ H ऑन दी राइट हैंड साइड देयर इज ओनली 2H, यहां पे ऑक्सीजन देखे तो 3 1 3, और यहां पे ऑक्सीजन देखे तो 3, तो ऑक्सीजन हमारा हो गया बैलेंस, ऑक्सीजन हो गया बैलेंस, लेकिन अभी हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है,
Fe भी अनबैलेंस है लेकिन हाइड्रोजन तो बहुत ज्यादा अनबैलेंस है। देखो कि Fe H में कौन ज्यादा अनबैलेंस्ड है, ये 1 एंड 2, लेकिन यहाँ पे 2 एंड 6, तो इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे बेटा, ये 6 है, ये 2 है, एक 6 है और एक 2 है, तो हम क्या करेंगे बेटा, ये जो हाइड्रोजन है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा, 6 है तो 6, 2 3 जा 6, तो हमारा फिफ्थ स्टेप क्या होगा, फिफ्थ स्टेप वी विल फॉलो टू बैलेंस दी हाइड्रोजन। हम इसी तरीके से जैसे हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, जैसे हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, उसी तरीके से हम किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन LHS में कितने है बेटा, तो 6 है इन 3H2O, देयर इज 6 इन 3H2O, दैट इज 2 इंटू 3, दैट इज 3H2O में कितने है, 6 है, बट देयर इज ओनली 2 इन H2, तो हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, so that will be 3 and that will equal to 3 into 2, that is 6 in 3H2, तो क्या करेंगे बेटा, 3 into 2, that will be 6 in 3H2, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, आगे ये वाला स्टेप लिख लिया होता है तो यहाँ पे मैं स्टेप 6 करूंगा अभी, तो ये कौन सा स्टेप था हमारा, तो ये स्टेप था हमारा 5 एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू द स्टेप 6, और स्टेप 6 में हमने क्या किया, स्टेप 6 में हमने क्या किया, हाइड्रोजन को बैलेंस किया, किसको बैलेंस किया, हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे भी क्या आ गया 3, वहां पे 3 आने से क्या हो गया, ये 3 इंटू 2 दैट विल बी 6, वो हर बार स्टेप नया करना है, एक एक में रिपीट नहीं करना है, पहले हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया फिर हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया, तो ये स्टेप 6 में हमने Fe इतना मिला है 3H2, Fe2O3 एंड 3H2, तो यहाँ पे देखो Fe कितना है 1, Fe कितने हैं 2, हाइड्रोजन 3 टू जा 6, हाइड्रोजन 3 टू जा 6, 3 1 जा 3 एंड 3 ऑक्सीजन, तो मतलब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन Fe को बैलेंस करना बाकी रह रहा है, क्या रह रहा है बाकी रह रहा है बेटा, Fe को, तो Fe कितने हैं, LHS में 1 है, RHS में 2 है, तो 1 इंटू क्या करेंगे बेटा, 1 इंटू 2, तो हमारा फाइनली जो इक्वेशन मिलेगा वो स्टेप 7 में क्या इक्वेशन मिलेगा बेटा, चलो स्टेप 7 कि हमारे पास एक Fe था प्लस H2O था, वो बना रहे थे Fe2O3 एंड H2, हमने क्या किया उसको रखे केदी की तरह बॉक्स बना दिए, जेल में डाल दिया, बाहर निकल नहीं सकते, फिर उसको किया सही मारपीट के, क्या किया सही किया कि Fe LHS के साइड पे क्या मल्टीप्लाई करना है, तो वहां पे मल्टीप्लाई करना है 2, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना है 3, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 3, क्लियर, चलो हुआ बैलेंस, हाँ, तो ऐसे पकड़ पकड़ के स्टेप्स बनाते जाने, जितने स्टेप्स हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टेप्स हो जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बनाते जाओ हर एक एलिमेंट को, जब तक सारे के सारे बैलेंस नहीं हो जाते तब तक करने हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें फिर से देखना है Fe on LHS साइड कितने हैं 2, Fe on RHS साइड कितने हैं 2, हाइड्रोजन 3 टू जा 6, हाइड्रोजन 3 टू जा 6, ऑक्सीजन 3 वन जा 3, ऑक्सीजन 3, इट मीन्स इट इज टोटली बैलेंस्ड इक्वेशन, इट इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन, तो उतना हमें याद रहना चाहिए बेटा कि ये कैसे हुआ, तो इस तरीके से आप कर सकते हो कि हाँ इस तरीके से हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो लास्ट स्टेप क्या है कि एक बार पूरे इक्वेशन को चेक करना है, बीच में जो स्टेप्स आते थे उसमें क्या था, जब भी कोई एक में चेंज करते हो तो पूरा इक्वेशन चेंज हो सकता है, कि हमने सिर्फ ऑक्सीजन को बदला था तो हाइड्रोजन अपने आप चेंज हो गया था, क्योंकि हमने आगे 3 लिखा ऑक्सीजन के लिए, लेकिन वो हाइड्रोजन को अफेक्ट करता है ना, तो हाइड्रोजन को भी अफेक्ट करेगा, तो इसीलिए हर बार जब आता है तो नया टेबल बनाना है, और फाइनली जब एक बार आपको लगे तो एक बार फिर से चेक करना है, अगर वो अनबैलेंस रहता है तो वापस एक बार एक और स्टेप लो, 7, 8, 9, 10, कभी कभार कुछ ऐसे इक्वेशन होते हैं सिर्फ 2 स्टेप में बैलेंस हो जाते हैं, कुछ सिंपल इक्वेशंस होते हो क्या होते हैं बेटा 2 स्टेप में बैलेंस हो जाएंगे, कुछ के लिए तो 10-15 स्टेप लगेंगे, तो जब तक बैलेंस नहीं होता हर बार टेबल बनाना है, हर बार इक्वेशन को इंडिकेट करना है, और हर बार पकड़ पकड़ के एक एक एलिमेंट को बैलेंस करते जाना है, और हर बार पकड़ पकड़ के क्या करना है बेटा एक एक एलिमेंट को बैलेंस करते जाना है, देन एंड देन यू विल एबल टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन करेक्टली। तो इसका कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है कि एक को बैलेंस करो और चेक करो क्या हो रहा है,
अगर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो वापस वही स्टेप फॉलो करो, तो वही के वही स्टेप्स हम रिपीट करते जा रहे हैं, बट फॉर द डिफरेंट एलिमेंट्स। तो ये जो मेथड है उसे कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या कहते हैं बेटा? हीट एंड ट्रायल, कि मारो, लग गया तो सही है, नहीं लगा तो वापस मारो। सो इसे कहते हैं हीट एंड ट्रायल, है ना। आप कहीं पे निशाना लगा रहे हो, आप लगाओ, आपने फेंका, निशाना लग गया तो सही है, नहीं लगा तो वापस हिट करो, हो गया नहीं हुआ वापस हिट करो, हो गया नहीं हुआ तो वापस हिट करो। कब तक करते रहना? जब तक सही निशाना नहीं लगता, जब तक सही से बैलेंस नहीं होता। सो दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड। तो इसका कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है बैलेंसिंग का, तो आपको इसी तरीके से करना है। कब? जब आपको 4 से 5 मार्क में पूछा जाता है, तब जब आपको पूछा जाता है एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, तब आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। वरना आप इजीली, आप उतने समझदार हो, उतना तो आप बैलेंस कर ही लोगे, तो उतना कैलकुलेशन हम दिमाग में कर लेते हैं। लेकिन ये स्टेप्स कब फॉलो करने बेटा? तो ये स्टेप्स हम तब फॉलो करेंगे जब हमें पूछा गया है हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन एक्सप्लेन इन डिटेल। क्लियर? वाई टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन लास्ट लेक्चर में किया था अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। चलो, एक सिंपल सा इक्वेशन है हमारी बुक का, वही हम बैलेंस करना सीखते हैं। आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? कंबशन ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन, कंबशन ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन, Mg+O2 गिव्स MgO। इज इट ए बैलेंस इक्वेशन? नो, इट इज ए स्केलेटल इक्वेशन बिकॉज इट इज एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। वो कैसा इक्वेशन है बेटा? अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, तो उसको क्या करना है बेटा? हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले तो हम स्टेप वन फॉलो करेंगे। क्या है हमारा स्टेप वन बेटा? तो स्टेप वन इज राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन और उसके अराउंड करना है हमें बॉक्स बनाना है। तो स्टेप वन में हमने लिखा Mg+O2 दैट विल गिव MgO, और उसके अराउंड हमने क्या कर दिया बेटा? तो उसके अराउंड हमने बना दिए बॉक्स। क्यों? क्योंकि वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड ए बॉक्स। बॉक्स के अंदर हम कोई भी चीज चेंज कर सकते नहीं है। सो नाउ वी विल फॉलो स्टेप टू, और स्टेप टू क्या है? टेबल बनाना है। किसका? एलिमेंट्स का। तो टेबल किसका बनता था बेटा? एलिमेंट का। यहां पे हमारे पास कितने एलिमेंट्स है बेटा? सिर्फ 2 एलिमेंट है। और नंबर ऑफ एटम्स ऑन LHS साइड एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑन RHS साइड। तो एलिमेंट्स कौन कौन से बेटा हमारे पास? तो हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट है, दैट इज Mg एंड O, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। LHS में कितने Mg है? 1। RHS में कितने Mg है? 1। LHS में कितने ऑक्सीजन है? 2। RHS में कितने ऑक्सीजन है? 1। तो बैलेंस किसको करना है? ऑक्सीजन को। किसको बैलेंस करना है बेटा? ऑक्सीजन को। तो क्या करना चाहिए? यहां पे RHS में मल्टीप्लाई बाय 2 करना चाहिए। क्या करना चाहिए? RHS में मल्टीप्लाई बाय 2 करना चाहिए। लेकिन वो हम कब करेंगे? स्टेप 3 में। किसमें करेंगे बेटा? स्टेप 3 में। तो ये हमारा आ गया स्टेप 3। उसमें क्या करेंगे? बैलेंसिंग द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं ऑन LHS साइड एंड RHS साइड। इसमें भी आप टेबल बना ही सकते हो। हाँ भाई, उसमें कुछ गलत नहीं है। क्लियर? तो ये बन गया हमारा टेबल। LHS में साइड कितने ऑक्सीजन है? 2। किसमें? इन O2। एंड देयर इज ओनली 1 ऑक्सीजन इन MgO। देयर इज ओनली 1 ऑक्सीजन इन MgO। तो यहां पे क्या करेंगे? MgO वाला जो कंपाउंड है, क्लियर? तो ये जो MgO है, तो ये 2 का तो 2 ही रखेंगे इन O2, बट वी विल मल्टीप्लाई 1 × 2 एंड दैट इज 2 MgO। MgO से हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे बेटा? MgO से 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा स्टेप 4 क्या हो जाएगा? स्टेप 4 हो जाएगा वापिस वहीं का वहीं टेबल, कि हमने एक इक्वेशन बना दिया। क्या बनाया? Mg+O2 गिव्स MgO। लेकिन हमने बैलेंस करने के लिए क्या किया? सबसे पहले तो बॉक्स बनाते रहो ताकि उसमें कभी भी गलती ना हो। क्लियर? हर बार ये स्टेप फॉलो करना है, आलसी मत बनना। तो यहां पे हमने कर दिया और Mg के आगे लगा दिया 2। Mg के आगे लगा दिया 2। सो नाउ अगेन फॉर्म ए टेबल। किसका? एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑन LHS साइड एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑन RHS साइड। तो ये बन गए एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑन LHS साइड, नंबर ऑफ एटम्स ऑन RHS साइड। कौन कौन से एलिमेंट है? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑन LHS साइड 1, मैग्नीशियम ऑन RHS साइड
टू, क्योंकि ये दो मल्टीप्लाई हुआ ना, तो दोनों के साथ ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा एंड मैग्नीशियम के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड ऑक्सीजन ऑन LHS साइड टू, ऑन RHS साइड टू। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें करना पड़ेगा LHS के साइड पे जो मैग्नीशियम है उसको मल्टीप्लाई बाय टू। तो फाइनल इक्वेशन हमें कैसा मिलेगा बेटा, तो फाइनल इक्वेशन हमें मिल जाएगा लास्ट स्टेप में। तो लास्ट स्टेप में हमें इक्वेशन क्या मिला, Mg plus O2 gives MgO gives MgO। उसके अराउंड क्या करेंगे बेटा, उसके अराउंड करेंगे हम बॉक्स, बना दिया बॉक्स। चलो फिर क्या किया था यहाँ पे, उस तरफ हमने दो लगाए थे तो एम जी अनबैलेंस हो गया, तो अभी यहाँ पे हम दो लगा देते, दो एम जी दो ऑक्सीजन, दो एम जी दो ऑक्सीजन, चलो हो गया बैलेंस। क्या हो गया बेटा, बैलेंस हो गया, क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से आप अलग अलग एग्जांपल्स ले सकते हो और उसे बैलेंस कर सकते हो। चलो जल्दी से मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो आपके होमवर्क में रहेंगे, वो आपको करने हैं बैलेंस। क्या करना है बेटा, उसको आपको करना है बैलेंस। चलो फर्स्ट वन, साथ साथ लिखते रहना भाई, सो मत जाना। चलो अगर किसी को हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ, सी यू एस ओ फोर, सी यू एस ओ फोर एन ए एन ए टू एस ओ फोर प्लस सी यू, दिस इज एच सी एल प्लस जेड एन गिव जेड एन सी एल टू प्लस एच टू, एम जी एस ओ फोर प्लस के, के टू एस ओ फोर प्लस एम जी, एफ ई टू ओ थ्री प्लस ए एल, ए एल टू ओ थ्री प्लस एफ ई, एन ए ओ एच प्लस जेड एन, एन ए टू जेड एन ओ टू प्लस एच टू। इन सभी इक्वेशन में आपको हर एक कंपाउंड का नाम भी लिखना है, तो उतना अपने हिसाब से कर लेना बेटा। थैंक यू।